तो स्वागत है आपका अनदर ट्रेनिंग वीडियो में। तो आज का टेमिंग कुछ स्पेशल होने वाला है। ऐसा क्रिएचर जिसको टेम करने से अगर आप उसको किसी प्लेयर या फिर किसी भी टीम या फिर किसी भी क्रिएचर से फाइट लेते हैं तो उसका स्टेमिना तुरंत ख़त्म हो जाएगा और जहाँ का वहीं खड़ा रह जाएगा। फिर उसको आप इजीली नॉक कर सकते हैं, मार सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यही एक ऐसा क्रिएचर है जो किसी भी प्लेयर या फिर टीम का स्टेमिना ख़त्म कर देता है और बिना स्टेमिना के कोई दौड़ नहीं पाएगा, ना ही रन कर पाएगा। तो सबसे पहले इसको टेम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमें बग रिपेलमेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्राफ्ट कर लेता और साथ ही साथ हमें कुछ नॉर्को चाहिए क्योंकि इसका जो अनकॉन्सनेट ड्रॉपिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो आपको नॉर्को की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग नॉर्को वगैरह क्राफ्ट कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत तेज़ अनकॉन्सनेट ड्रॉप करता है। ऑल राइट, हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पे, सब तैयारी हो चुकी है हमारी टीमिंग की। और यहाँ पे मुझे एक दिखा, इसका पहला नाम पैची है, पैची रियो सोरस। तो यहाँ पे मुझे ये दिख गया, अब हम लोग इसे नॉकआउट करेंगे। ये सब भी ग्रुप में ही घूम रहे हैं, कई सारे हैं। तो यहाँ पे एक हाई लेवल का टीम करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक नॉक देने के लिए इसे शॉट्स मारे, बट ये इसका जो अनकॉन्शियस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जल्दी नॉकआउट नहीं होंगे। तो कोशिश करिएगा आप लोग इसे ट्रैप करके ही करें क्योंकि ये जिस तरह से मुझे डैमेज दे रहा, अगर आप लोग मल्टीप्लेयर में खेल रहे हो या फिर सोलो में खेल रहे हो बिना गार्ड मोड़ के, तो क्या होगा कि आप लोगों को स्टेमिना चली जाएगी और आप लोग नॉकआउट हो जाएंगे या फिर इतने डैमेज में तो आप लोग का हेल्थ भी चला जाएगा। तो कोशिश करिएगा इसे ट्रैप करके ही करें। एक बार ऐसे ही मारने के बाद आप इसे किसी ट्रैप में फंसा सकते हैं दौड़ के ले जाके। यहाँ पर मैंने इसे नॉकआउट कर दिया, एक लेवल 5 का है और एक लेवल 50 का है। तो चलिए हम लोग इसको टीम करते हैं हाई लेवल वाले को। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसका अनकॉन्शियस बहुत तेज ड्रॉप होता है। यहाँ पे मैंने इसे बग रिप्लेसमेंट दे दिया और फिर उसके बाद देखते हैं ये एक बार में कितना परसेंट ले रहा बिना किसी स्मूथ ब्लेम के। यहाँ मैंने मोर्टल एंड पेज क्राफ्ट किया ताकि हम लोग और थोड़ा सा बग रिप्लेसमेंट ड्रॉप कर सकें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्राफ्ट कर दे रहा हूँ, नॉर्को की चाहिए हमें। और यहाँ पे मैंने इसे क्राफ्ट किया, ये एक बार में 7% जा रहा, लेवल 50 का है बट एक बार में 60% जा रहा। हमें थोड़ा और नॉर्को की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि टीम तो ठीक ठाक हो रहा मगर इसे हम लोग बैरिज वगैरह से भी टीम कर सकते हैं। आई थिंक बैरिज उतना तो काम नहीं करेगा जितना तेज ये काम कर रहा, बट थोड़ा बहुत उससे काम करेगा। तो अगर आप लोगों के पास स्मूथ ब्लेम होगा तो ज़्यादा जल्दी फास्ट टेम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा यह हार्ड होने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है इसको टेम करने के लिए अगर एक हाई लेवल का टेम करें तो कम से कम कुछ नहीं तो 50 से 100 मार्क को चाहिए आपको लोगों को। तो कोशिश करिएगा कि नॉर्को वगैरह की बढ़िया से तैयारी कर लें, अदरवाइज़ आप लोग इसे टेम नहीं कर पाएंगे और आधे पर रह जाएगा ये। यहाँ पर मेरे पास 2 बग रियल प्लेमेंट बचे हैं और यहाँ पर मैंने कुछ और क्राफ्ट कर दिए। और इसको क्राफ्ट करने के लिए पेल्ट की ज़रूरत पड़ती है और पेल्ट आपको मिल जाएगा बियर्स के पास या फिर आप स्नो एरिया में चले जाएंगे वहाँ पे किसी भी स्नो कीचर को मारेंगे तो वहाँ पे जल्दी मिलता है पेल्ट वगैरह, या फिर टेरर बर्ड को मारने पे पेल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे टेम कर लिया पूरी तरीके से। अब इसकी सैडल देख लेते हैं, इसका सैडल हमें मिलेगा लेवल 27 पे और इसको हम लोग अपने इन्वेंट्री में ही क्राफ्ट कर सकते हैं। इसको क्राफ्ट करने की कहीं और ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसके लिए भी हाई हमें हाइट फाइबर और रूट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमारा हो चुका है और ये हम लोग बैठ चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके यूज के बारे में देखिए, ये हम पैरिस वगैरह भी कलेक्ट करेगा। साथ ही साथ अगर आप इसे इस पर 2 सीट होते हैं, एक आगे और एक पीछे, इस पर 2 प्लेयर बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इससे किसी प्लेयर को हिट करते हैं तो उसकी स्टेमिना चली जाएगी। ये देखिए ये छुपे रहने के लिए गैस भी छोड़ता है, एक ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो। यहाँ पे देखिए अब ये राइट साइड में हमारे ऊपर की तरफ स्क्रीन पे हिडन का ऑप्शन आ रहा, ये देखिए इसका स्टेमिना थोड़ा कमज़ोर होता है बट आप इसको एक पोटेंशियल डस्ट दे देंगे तो 50 से 60 लेवल अप हो जाएगा आराम से स्लो मोड में।
यहाँ पे आप किसी भी क्रिचर को मार सकते हैं, आई मीन उसकी स्टेमिना निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ 1 से 100 तक के लेवल के जितने भी क्रिएचर आते हैं सबकी टेमिंग वीडियो सीरीज़ में आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी और भी क्रिएचर पे वीडियो चाहिए किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।